नमस्कार, मैं हूं रेनू भाटिया। न्यूज हब भारत में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों के लिए न्यूज हब भारत। कानपुर के यशोदा नगर में विदेशी महिलाओं का जबरदस्त विरोध, भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाकर लोगों ने तीनों महिलाओं का पुतला फूंका। भारत के आंतरिक मामलों में ट्विटर हैंडल के जरिए दखल देने वाली महिलाएं मियां खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग, रियाना, जो पैसे लेकर ट्वीट करती हैं। खुद के देश में लोकतंत्र संभलता नहीं, भारत को ज्ञान देने वाली महिलाओं का लोगों ने जूते चप्पलों से स्वागत कर पुतला फूंका, जबरदस्त विरोध किया। शव यात्रा निकालकर चौराहे तक घुमाते रहे, चौराहे पर ले जाकर पुतला दहन किया। जबरदस्त विरोध के बीच लोगों ने अपनी बात रखी। जो लोग भारत के बारे में जानते ही नहीं हैं, जिनको भारत के बारे में ABCD नहीं पता, वो आज ट्वीट के जरिए ज्ञान दे रहे हैं, पैसे लेकर ट्वीट करते हैं, ऐसी महिलाओं का पुरजोर विरोध करते हैं। गपशप गुप्ता, किसका पुतला फूंका? ये देश विरोधी ताकतों का, ये रेहाना है, मियां खलीफा है, और ये जो विदेशी नागरिक लड़कियां हैं, इन लोगों ने जो देश विरोधी कल बात बोली है, जिनको अपना देश नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो भारत के बारे में उत्पटांग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अपना देश संभाले नहीं संभला, भी बड़ी बड़ी जालियां लगाई गई थी। अभी तक ये अपने यहाँ कोविड के सही मरीजों की संख्या ना बता पाए, वो हमारे यहाँ किसान आंदोलन के लिए सलाह देते घूम रहे हैं कि उनके विरोध में हम लोगों ने पुतला दहन किया। क्या मानना है आपका कि ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? कहीं ना कहीं से घर का भेदी लंका डाय, हमारे भारत के ही कुछ नवयुवक पप्पू जैसे लोग हैं जिनके द्वारा फंडिंग हुई है, और ये इसीलिए देश विरोधी ताकतों से मिल करके देश के पप्पुओं ने देश को झुकाने के लिए, देश के स्वाभिमान को गिराने के लिए ऐसा मैनेजमेंट कर रहे हैं पीपेड प्लानिंग के तहत। अंकित पांडे मेरा नाम है, और ये जो कल से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि जो विदेशी ताकतें जो हैं, जो विदेशी पॉप स्टार हैं, जो दूसरों के बहकावों में फंडिंग लेकर जो हमारे भारत विरोधी बयानों को लगातार ट्विटर हैंडल पर दे रहे हैं, निश्चित तौर पर हम इनका खुलकर विरोध करते हैं। आज हम सभी लोगों ने उनका पुतला फूंका है, और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारा घर का आंतरिक मामला है। हम सरकार और किसान बैठकर समाधान करेंगे, ना कि किसी बाहरी को इंटरफेयर की आवश्यकता है। और अगर ये भी ताकतें हमारे बीच में इंटरफेयर करेंगी, तो निश्चित तौर पर भारत इनका मुंहतोड़ जवाब देगा और इनका विरोध करेंगे। हम लोग निश्चित तौर पर इनका पुतला फूंकेंगे। मैं सोमेंद्र अग्निहोत्री, और ये जो विदेशी जो महिलाएं हैं, इन लोगों के कपड़े तो खुद से संभाले नहीं जाते हैं, लेकिन ये भारत के ऊपर इस तरह के जो ट्विटर हैंडल पर जिस तरीके से बयानबाजी चालू है, इसीलिए इनका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया है और इनका सड़क पर पुतला दहन किया है। आगे से हम ट्विटर को भी लेकर बहुत सजग रहेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत। देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ न्यूज़ हब भारत पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबाएं।